दिनांक 20 तारीख की रात को शाम को चौटन चौराहे से एक बुलेरो जो लूट के कुछ लोग ले गए थे, काफ़ी सनसनीखेज मामला था। आगे जाके इसी गिरोह ने एक पेट्रोल पंप पे भी वारदात करके वहाँ पे पेट्रोल पंप को लूटा था। तो इसमें हमारी टीमें तब से निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल एसपी साहब बाड़मेर, डिप्टी साहब बाड़मेर, हमारी साइबर टीम, एसएचओ सदर, एसएचओ ग्रामीण, एसएचओ कल्याणपुर, फाइनली ढूंढते ढूंढते ट्रेस करते हुए तकनीक के आधार पे और अन्य सुरागरसी करते हुए एसएचओ कल्याणपुर ने एक अभियुक्त को उदयपुर से दस्तयाब किया। उससे फिर अन्य व्यक्तियों के नाम पता चले और तीन व्यक्तियों को धौरीमना से, एक को जैसलमेर से भी गिरफ्तार किया है। इन लोगों के नाम हैं मगाराम, मगाराम सन ऑफ भूरा राम, पाबू बेरा भीमथल धौरीमना, रवि कुमार पुत्र होरीलाल, ये यूपी के रहने वाले हैं और ये अच्छा हुआ अभी पकड़ में आ गए, फिरोजाबाद ए उत्तर प्रदेश, रमेश कुमार जोगाराम धोरीमना, सत्यपाल ठाकरा राम मीठा खुर्द धोरीमना, रत्नाराम कपूरडी हाल मोहनगढ़। एक व्यक्ति अभी गिरफ्त में नहीं आ पाया, मनीष उर्फ राकेश, इसके पीछे भी अभी टीमें गई हुई हैं। ओसिया जोधपुर का है, इसके पीछे अभी टीमें गई हुई हैं। आशा करते हैं ये जल्दी गिरफ्त में आएगा। इसमें हमारी तकनीकी टीम और ग्राउंड पे करने वाली ये सभी टीमें बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वापस से ये मामला बिल्कुल अज्ञात था, सनसनीखेज था। 20 चौराहे से एक बुलेरो को उठा के ले जाते हैं, उसके बाद 400 किलोमीटर कम से कम ये घूमते रहे पूरी रात में, एक पेट्रोल पंप को लूटते हैं और एक अन्य वारदात जालौर जिले में भी करते हैं, सरवाना थाना। तो उसको देखते हुए जैसे जैसे सुराग मिलते रहा तो हमारी टीमें भी रात भर पीछे करती रही। तो एसएचओ कल्याणपुर कैलाश अभी यहाँ पर नहीं है, पर वो पूरी रात पीछे रहे। उन्होंने उदयपुर में दस्तयाब करा इनको जाके, और उदयपुर में हमारी मदद यहाँ से गए हुए सीआई साहब रामनिवास, जो वहाँ पे अभी ट्रैफिक इंचार्ज लगे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी। उसके बाद में अन्य मुलजमों का जैसे पता चला तो ये लोग पूरी रात लगे रहे, और ये लोग बधाई और साधुवाद के पात्र हैं कि इतनी मेहनत करके इतनी दूर से, जैसलमेर से, उदयपुर से, धौरीमना से, यहाँ से मुलजिमों को उन्होंने दस्तयाब कराया।